सोलन नगर निगम की संभावनाओं को लेकर गांववासियों की विरोध की ज्वाला को शांत करने के लिए जल्द ही एक बैठक आयोजित होगी, जिसमें चुने हुए पंचायत के प्रतिनिधि भाग लेंगे और इस बैठक में खुद हिमाचल के स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल अध्यक्षता करेंगे। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने मीडिया को दी। उन्होंने कहा कि सोलन जिला विकास की दृष्टि से हिमाचल का अग्रिम जिला है। यहाँ विकास बेहद गति से हो रहा है और यहाँ की जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है। नगर परिषद में आने वाला बजट शहर के विकास के लिए न काफी सिद्ध हो रहा है। सोलन का पूरी तरह से विकास तभी संभव है जब सोलन नगर परिषद को नगर निगम बना दिया जाए। हिमाचल के स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि सोलन में विकास बहुत ही तीव्रता से हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ विकास की नई इबारत लिखने वाली योजनाओं की आवश्यकता है, जो नगर निगम से पूरी हो सकती है। उन्होंने कहा कि ये नहीं कि गांववासी नगर निगम का विरोध कर रहे हैं, वे जिन गाँव का शहरीकरण हो चुका है उन्हें नगर निगम में सम्मिलित करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम आने से कई नई योजनाएं सोलन को मिलेंगी, जिसकी वजह से सोलन में विकास को नई दिशा और गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि गांववासियों का संशय दूर करने के लिए जल्द में उनके साथ बैठक करने जा रहे हैं, जिस दौरान उनके रोष को कम करने का प्रयास किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 8 लोगों के लोग नहीं मिलना चाहते, लेकिन उसमें जो अर्बनाइज पार्ट है पंचायतों का, उसके ऊपर तो वो सहमत हैं, जो कि शहर का ही तकरीबन हिस्सा बन गए हैं और जिनका शहरीकरण हो गया है। ऐसे जो गांव के क्षेत्र हैं वो अगर मिला दिए जाएं तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। बहुत शीघ्र जो है, हो सकता है 27 से 28 को जिलाधीश के साथ जो है और इन सब पंचायत प्रतिनिधियों के साथ जो है, और मैं भी उस बैठक में रहूँगा, उसमें हम बैठ करके जो है ये सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे। बैठक में हम चर्चा करने वाले हैं, इसमें हमारे पंचायतों के जो हमारे प्रतिनिधिगण हैं और उनके जो संशय हैं, तो उस बैठक के माध्यम से उनके उन सब संशयों का निवारण भी होगा और किस प्रकार से रोष को जो है वो कम किया जा सकता है, इसके लिए भी जो है हम प्रयास करें। नहीं, ये थोपने का विषय नहीं है। नगर निगम बनने पर विकास जो है उसकी जो है वो दिशा भी बदल जाती है और उसकी जो है गति भी जो है वो बदल जाती है। बहुत सी ऐसी योजनाएँ जो जब तक नगर निगम नहीं है तब तक वो योजनाओं का जो है वो लाभ नहीं मिलता शहरी क्षेत्र को, तो कहीं ना कहीं आवश्यक भी है। जिस प्रकार से आज सोलन का स्वरूप आप देखिए, किस प्रकार से जो है ये हमारा बहुत तीव्र गति से बढ़ने वाला शहर जो है वो सोलन है। पूरे प्रदेश में सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाले शहरों में जो है वो सोलन की गणना जो है वो होती है। इसलिए नगर निगम की आवश्यकता है, योजना की आवश्यकता है। और इसमें ये ठीक है, ये बैठक इसीलिए हो रही है जो कि हमारे गांव के हमारे जो प्रतिनिधिगण हैं, पंचायतों के प्रधान उपप्रधानगण, उनके साथ बैठ करके पूरी गहराई से सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे।